जिस तरीके से हमने ये देखा कि हमारे पास कोई अगर एक कंडक्टर हो और उसे हम लोग क्या करें कि हम बैटरी के साथ कनेक्टेड कर दें इस तरीके से, तो जैसे ही हम उसे बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो करंट के फ्लो होने की वजह से वो जो कंडक्टर है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड्स अपेयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रो मैगनेट बन जाते हैं। मतलब कि वो एक ऐसा डिवाइस बन जाता है जो कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी रखता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी रखता है, और इलेक्ट्रिसिटी के पैसेज की वजह से उसके अंदर जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अपेयर होना शुरू हो जाती हैं। आज भी हम अपने काम को कुछ इसी तरीके से करेंगे कि हम क्या करेंगे, हम बेसिकली ये देखना चाहेंगे कि किसी कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। उसे ये देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पर हम कॉपर की दो स्ट्रिप्स इस्तेमाल कर लेते हैं, और इन दो स्ट्रिप को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारे पास एक कॉपर की स्ट्रिप है और यहाँ पर हमारे पास जो है दूसरी कॉपर की स्ट्रिप है। इन दोनों कॉपर की स्ट्रिप को जो है हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये इस तरीके से एक वायर हम लोगों ने यहाँ से लगाई और एक वायर यहाँ से लगाई, यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया और यहाँ से जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को इस तरीके से कनेक्टेड कर दिया। अब ये वाला हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। अब यहाँ पे हम लोग एक स्विच को भी लगा देते हैं, ज़्यादातर हम लोग स्विचेस लगा देते हैं ताकि जिसे हम लोग जैसे ही क्लोज करें तो सर्किट में जो है करंट फ्लो करना शुरू हो जाए। ये हमारे पास स्विच ऐसे, ये हमारे पास बैटरी बी है और ये हमारे पास कॉपर के स्ट्रिप है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक कंडक्टर लेते हैं, उस कंडक्टर को जो है कंडक्टर इस शेप का है कि उसे जो है इसके ऊपर हम लोगों ने दोनों स्ट्रिप के ऊपर रख दिया है इस तरीके से। ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसे हम लोगों ने इन कॉपर की जो है स्ट्रिप के ऊपर डाल दिया इस तरीके से। अब क्या होता है कि ये जो है कंडक्टर इसे हम लोगों ने इन दो कॉपर के स्ट्रिप के ऊपर रख दिया, और यहाँ से हम लोगों ने अपने आप जो स्विच है इसे भी क्लोज कर दिया। स्विच को क्लोज करने से अब हमारा जो करंट है फ्लो करना शुरू हो जाता है। हमारे करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है कि करंट जो है इसके अंदर से इस तरीके से फ्लो करता हुआ यहाँ पर इस कंडक्टर के अंदर भी इस डायरेक्शन में अपर डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ यहाँ तक आ जाता है और सर्किट को कंप्लीट कर देता है। अब क्या होता है कि हमें ये मालूम है कि इन दोनों जो कॉपर के स्ट्रिप हैं इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट के फ्लो करने की वजह से इसके अंदर भी मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। अब हमारा ये जो सर्किट है इसके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया है। अब क्या होता है कि हम लोग ये चेक करने के लिए कि अगर हम किसी कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो क्या उस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट आ सकता है या नहीं, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि कंडक्टर को पकड़ा, उसकी जो है कंडक्टर की स्ट्रिप को इन दोनों स्ट्रिप के ऊपर इस तरीके से रख दिया ताकि वो इन दोनों स्ट्रिप के ऊपर अच्छी तरीके से जो है रखी जा सके। अब क्या होता है कि इस कंडक्टर के अंदर से भी उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू कर देता है जैसे कि वो पहली डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। तो अभी जो हमारे पास करंट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया है। अगर ये जो कंडक्टर है हमारे पास अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया है तो बेसिकली इसके अराउंड जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अपेयर हो जानी चाहिए। क्या होता है कि यहाँ पर इसके अराउंड जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अपेयर हो जाती है और मैग्नेटिक फोर्स आ जाती है जो कि FM से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आई है, जो कि हमें मालूम है कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा हो तो उसके साइड पे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अपेयर हो जाती है जो कि सर्कुलर डायरेक्शन में होती है। जब ये सर्कुलर डायरेक्शन में है तो इसकी जो फोर्स है FM जो कि मैग्नेटिक फोर्स है वो भी तो सर्कुलर डायरेक्शन में आएगी। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाती है। अब होता क्या है कि ये मैग्नेटिक फोर्स जो है तो होता यह है कि सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारी मैग्नेटिक फोर्स तो आ गई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई, लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, आया कि ये इस डायरेक्शन में लग रही है या इस डायरेक्शन में लग रही है। होता क्या है कि एक हमारे पास जो है एक रूल है जिसे हम लोग राइट हैंड रूल कहते हैं। ये हमारे पास जो है राइट हैंड रूल होता है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है। होता क्या है कि हम लोग हमारे पास इस तरीके का हम लोग बेसिकली हमारा ये जो हैंड है वो इस तरीके का होता है कि ये हमारे पास हमारा हैंड है, और इसे थोड़ा सा सही करके बना लेते हैं ताकि आपको भी आसानी हो समझाने में और मुझे भी। ये हमारा हैंड है। अब ये जो हमारी फिंगर्स है ना, ये हमारी फिंगर्स रिप्रेजेंट करती है बेसिकली हमारी मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो हमारा थंब है ये थंब हमारा इंडिकेट करता है हमारा करंट को कि किस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है, और ये जो हमारी पाम है ये इंडिकेट करती है बेसिकली हमारी मैग्नेटिक फोर्स को। अब होता क्या है कि हमारा हम बेसिकली अपने थंब को हमेशा जो अपना हैंड है उसे कर्व कर लेते हैं, मतलब फिंगर्स को बंद कर लेते हैं इस तरीके से कि ये हमारे पास जो है हमारा हैंड है
और ये हमारे पास थंब जो है इस तरीके से हम लोगों ने अपनी फिंगर्स को जो है वो बंद कर लिया होता है। तो ये जो थंब है हमारा, ये बेसिकली इंडिकेटर होता है करंट के डायरेक्शन में। आपने क्या करना है, हमेशा अपनी फिंगर्स को क्रॉस करना है और अपने थंब को उस डायरेक्शन में रख देना है जहाँ पर आपके करंट जा रहा है। जैसे कि अगर आप इस डायरेक्शन में रखना चाहें तो आपको बेसिकली यूँ रखना चाहिए कि ये आपका थंब है और ये आपकी बाकी इस चारों के चारों फिंगर्स जिन्हें आपने क्लोज किया हुआ है। तो ये जो आपका थंब है ये इंडिकेट करता है करंट को जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। और ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड का कर्व होना, ये जो आपकी फिंगर्स है ना, ये जो कर्व होते हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं कि आपके इस वक्त जो है मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है। तो ये जो है चीज़ आपको रिप्रेजेंट करके आपके फिंगर्स का कर्व होना और आपके पाम की जो डायरेक्शन है वो आपको बता देती है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेसिकली इस तरफ है। तो होता क्या है कि आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मिल जाती है जो कि इस तरफ है। यहाँ पर भी हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है और यहाँ पर भी हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जो हमें हमारी मैग्नेटिक फोर्स होती है वो इस डायरेक्शन में होती है। अगर आप इसे सीधा करके हैंड में भी देखेंगे तो ये आपका सीधा हैंड है और आपका जो करंट की डायरेक्शन है वो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन की तरफ आपने पहले फिंगर कर ली, वो आपको पता चल गया कि अपर डायरेक्शन में। दूसरी चीज़ आपने क्या किया कि आपने सिर्फ करंट को कंसिडर करना होता है, करंट की कंसिडरेशन से आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो है मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में है। अगर आपने सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स को चेक करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने अपना हैंड क्लोज कर लेना है और अपने शिफ्ट थंब को उस डायरेक्शन में कर देना है जहाँ पर आपका करंट जा रहा है। बस आपने इतना सा काम करना है। जब आपने थंब को उस डायरेक्शन में कर दिया जहाँ पर आपका करंट फ्लो कर रहा है तो बाकी की बात जो आपकी फिंगर्स है वो जिस डायरेक्शन में कर्व है उस डायरेक्शन में जो है आपका मैग्नेटिक फोर्स होती है। जैसे कि आप इसे करके देखें कि आप अपना राइट हैंड लें, उसमें आप अपने पूरी की पूरी फिंगर्स को क्रॉस करें और थंब को उस डायरेक्शन में कर दें जिस डायरेक्शन में इस वक्त कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है जो कि बिल्कुल सामने की तरफ जा रही है जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो अब आपके जो फिंगर्स का कर्व होना है वो इंडिकेट कर देती है कि आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है। तो आपको पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। होता है कि यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है और यहाँ पर जो है हमारे पास थोड़ी सी वीक आ जाती है, ये हमारे पास जो है वीक मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। तो स्ट्रॉन्ग से जो है इस कंडक्टर को पुश करती हुई मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ एक्ट करती है जो कि मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में है। तो हमारे पास जो है ये स्ट्रिप मूव कर जाता है, ये जो हमारे पास कंडक्टर का मूव करना है इन स्ट्रिप के ऊपर, ये बेसिकली हमें इंडिकेट कर देता है कि इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर तो मैग्नेटिक इफेक्ट था लेकिन जैसे ही हम लोग ने इस कंडक्टर को भी इस स्ट्रिप के ऊपर रख दिया है तो करंट के पैसेज की वजह से उसके अंदर भी मैग्नेटिक फोर्स अपेयर हो गई है, उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड आना शुरू हो गया। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके अंदर जो है मैग्नेटिक फोर्स आई है और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो गए हैं। अब बेसिकली ये जो मैग्नेटिक फोर्स है जिसे हम लोग एफ एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फोर्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये बेसिकली जो मैग्नेटिक फोर्स है हमारे पास एफ एम, ये डिपेंड करती है कि हमारे पास कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि जाहिर है जितनी ये स्ट्रॉन्ग होगी उतनी हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही मैग्नेटिक फोर्स आती है। तो जितनी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स भी स्ट्रॉन्ग आएगी जो कि उस कंडक्टर के ऊपर एक्ट कर रही है। इसी तरीके से हमारी जो मैग्नेटिक फोर्स है जो कि उस कंडक्टर के ऊपर एक्ट कर रही है ये डायरेक्टली रिलेटेड होगी हमारे करंट के साथ, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमारा कोई कंडक्टर है उसको हम लोगों ने बैटरी के साथ कनेक्टेड कर दिया है, इस तरीके से ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो इसके अंदर से जो है करंट फ्लो हो रहा है। अगर ये बैटरी बहुत ज़्यादा पावर की है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा ही करंट प्रोवाइड करेगी, जितना करंट प्रोवाइड करती है करती चली जाएगी उतना ही इसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होती चली जाएगी। जितना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी उतना ही इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एफ एम भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा जो कि मैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आई है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट की वजह से आई है। तो हमारी इनडायरेक्टली जो है मैग्नेटिक फोर्स ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है हमारे पास करंट से, लेकिन आती कहाँ से, आती मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से है। इसके बाद जो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है हमारे पास कंडक्टर की लेंथ से। हमारे पास जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि हम लोगों ने एक कंडक्टर को जो है प्लेस कर दिया किसके ऊपर, कॉपर की दो स्ट्रिप के ऊपर, इसकी लेंथ फॉर एग्जाम्पल जो है 1 मीटर है। इसी तरीके से अगर आप एक ऐसा कंडक्टर यूज करते हैं जिसकी लेंथ 2 मीटर है, जाहिर सी बात है जितनी लंबी लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें से करंट फ्लो करेगा, उतना ही उसके अराउंड जो है वो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा सर्कुलर डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, इसका रेडियस बढ़ता चला जाएगा और उतनी ही ज़्यादा हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी। तो बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स जो है इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है जो कि BIL है, यानी कि B उसके मैग्नेटिक फील्ड, I जो है उसका करंट जो कि इसके अंदर से फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर के अंदर से, और L उस कंडक्टर की लेंथ की उसकी लेंथ कितनी है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, और करंट के फ्लो होने की वजह से उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है और उस मैग्नेटिक फील्ड ने जो है मैग्नेटिक फोर्स को अपेयर किया है।
तो इन चारों फैक्टर्स को हम तीनों फैक्टर्स को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि FM जो है डायरेक्टली रिलेटेड है I, L और B के साथ। इसके अलावा एक यहाँ पर हमारे पास एक और फैक्टर भी होता है जिसे हम लोग साइन अल्फा कहते हैं। अब साइन अल्फा जो है बेसिकली एंगल है एल और बी के दरमियान, जो बेसिकली ये बताता है कि आपका कंडक्टर किस डायरेक्शन में पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और आपका कंडक्टर जो है इस डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, जैसे कि हमारा इस केस में क्या था कि हमारा कंडक्टर भी उसी डायरेक्शन में पड़ा है, ये कंडक्टर की लेंथ है इस डायरेक्शन में और हमारे जो बी है वो भी इस तरह अपर डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो अल्फा है, चूंकि ये पैरेलल है तो यहाँ पे अल्फा जीरो है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड और ये जो चीज़ है हमारे पास एल, उसकी डायरेक्शन कैसी है। अगर ये हमारे पास एल की डायरेक्शन है और एल की डायरेक्शन इस तरीके है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 का एंगल बना रहा है, तो 90 के एंगल से हमें पता है कि साइन 90 जो है मैक्सिमम वैल्यू है जो कि 1 देता है, जिसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन जो केस हम लोगों ने अभी पढ़ा है, ज़रूरी नहीं है कि हमारा कंडक्टर हमारी बी के साथ या तो पैरेलल ही हो या हमारे पास एग्जैक्ट जो है वो 90 पर ही हो, बल्कि अक्सर केसेस ऐसे होते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और जो कंडक्टर है, कंडक्टर की डायरेक्शन है वो कुछ टिल्टेड भी हो सकती है, वो एट सम एंगल भी हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोगों ने साइन अल्फा यूज़ किया है। हो सकता है ये जो एंगल है अल्फा जो कि थीटा के इक्वल है, यहाँ पे 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि FM जो है डायरेक्टली रिलेटेड है साइन अल्फा के साथ। हम ये नहीं कह सकते कि ये साइन 90 के साथ डिपेंड है, डायरेक्टली रिलेटेड है, या साइन 0 के साथ, इस तरीके से हम नहीं बता सकते। ये तो हमें पता है कि जब 90 आ जाएगा यानी कि बी और एल परपेंडिकुलर हों तब हमारे पास मैक्सिमम फोर्स होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर केस में ही 90 हो, बाज़ औकात पैरेलल भी आ सकता है, बाज़ औकात कुछ एंगल पर भी आ सकता है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर साइन अल्फा के साथ ही बताना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारी ये जो FM है ये डायरेक्टली रिलेटेड है I, L और B के साथ, और साइन अल्फा इसलिए आ जाता है क्योंकि हम लोग जो है एंगल की बात करते हैं बिटवीन एल और आर, एल और बी के, ये बेसिकली हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट हमें मालूम था कि हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आई एल बी के वो होता है इक्वल। यहाँ पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन के बारे में बता दें कि वो FM इज इक्वल टू आई एल इंटू एल क्रॉस बी के इक्वल आ जाता है, और क्रॉस की जगह हम लोग क्या कर देते हैं कि आई एल बी क्रॉस को हटा के हम लोग यहाँ पे साइन अल्फा लगा देते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ हमें बताती है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी एक जो है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है जो कि आई एल बी के इक्वल आ जाता है। अब क्या होता है कि हम डिफरेंट फैक्टर्स को देख लेते हैं कि कब हमारे पास जो है मैग्नेटिक फोर्स किसी भी कंडक्टर के ऊपर मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है या कुछ वैल्यू देती है। अब सबसे पहला केस हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास कंडक्टर है उस कंडक्टर के अंदर से अगर करंट फ्लो करना बंद कर दे, तो अगर करंट फ्लो करना बंद कर दे तो मतलब जीरो हो गया। अब करंट जीरो हो गया तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी जीरो होना शुरू हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स को भी जीरो होना शुरू हो जाएगा। देखा जाए अगर इस चीज़ को हम लोग फॉर्मूले से देखें तो फॉर्मूला क्या कहता है कि आई एल बी इंटू साइन एल्फा है। अगर आई को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँ चूँकि ये प्रोडक्ट है तो सारी की सारी वैल्यू ही जीरो हो जाती है, जबकि इसे इसके पीछे थ्योरी क्या है, थ्योरी ये है कि अगर किसी चीज़ का करंट जीरो हो जाता है तो करंट जीरो होने का मतलब है कि सर्किट के अंदर से आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रही। अगर किसी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा ही नहीं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनेगा तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड अपेयर नहीं होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो हो जाती है। तो इस चीज़ को हम लोग फॉर्मूले से भी प्रूव कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट आई की वैल्यू लगाएं और आई की वैल्यू लगाने से हमारे पास जो है जीरो की वैल्यू आ जाती है। तो हम बाय एक्सपेरिमेंटल भी और थ्योरेटिकल भी बता सकते हैं कि किस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाती है कुछ फैक्टर्स को जीरो करने से या उनको ख़त्म कर देने से। अगर आप दूसरी बात ये कहें कि करंट फ्लो हो रहा हो और कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए कि हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जीरो हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी तो उस कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी जीरो होना शुरू हो जाएगी। अगर इसे हम लोग फॉर्मूले से देखें तो फॉर्मूले से इस तरीके से देख सकते हैं कि आई एल बी इंटू साइन अल्फा है। अगर बी की वैल्यू मैं यहाँ पे जीरो कर दूँ तो बी की वैल्यू जीरो होने की वजह से ये प्रोडक्ट है ये सारा का सारा जीरो हो जाता है। और अगर इसी तरह से लेंथ है, लेंथ बहुत ही जीरो जीरो तरह कभी हो ही नहीं सकती, लेकिन लेंथ बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाए, माइक्रोमीटर्स में आ जाए, या हम लोग कंडक्टर को ही हटा लें वहाँ से, तब भी हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो जीरो हो जाएगी। और दूसरे केसेस ये आ सकते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन और कंडक्टर की जो लेंथ है अगर तो आपस में परपेंडिकुलर है तो हमारे पास मैक्सिमम जो है फोर्स आ जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स जो कि उस कंडक्टर के ऊपर एक्ट कर रही है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड
और जो हमारे पास है उसकी लेंथ कंडक्टर की वो आपस में पैरेलल आ रहे हैं, तो इस केस में हमारे पास जो है मैग्नेटिक फोर्स वो मिनिमम आती है, या उसे आप कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू जीरो आ जाती है। सिमिलरली ये जीरो आ गया तो इसको जाहिर सी बात है एंगल से ही हम लोग रिलेटेड करते हैं, और एंगल से किस तरह से कि यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू डाल देते हैं। तो साइन अल्फा की वैल्यू डाल दें चाहे तो कंडक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल, तब हमारे पास जो है मैग्नेटिक फोर्स जीरो ही रहती है। और अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर है तब हमारे पास जो है फोर्स मैक्सिमम आ जाती है। और फॉर एग्जांपल एट सम एंगल है 45 है, 60 है, 75 है, किसी भी एंगल पे है, तो तब हमारे पास जो है मॉडरेट वैल्यू आती है मैग्नेटिक फोर्स की जो कि उस वक्त उस कंडक्टर के ऊपर एक्ट कर रही है। अब ये जो बी है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में हम इसे डिफरेंट टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम किसी कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देख रहे हैं, चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखते हुए उसकी मैग्नेटिक फोर्स को निकाला है। अब अगर मैं ये चीज़ बताऊँ आपको कि फॉर एग्जाम्पल आप सपोज कर लीजिए कि आपका जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 के एंगल पे है, तो 90 के एंगल के पर होने की वजह से जो साइन अल्फा की वैल्यू है वो तो मैक्सिमम होगी, वो 1 होगी। अगर मैं इस 1 को यहाँ पे पुट कर दूँ तो बेसिकली मेरे पास जो एफ मैक्सिमम एफ है हमारे पास जो कि हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वैल्यू सिंपली ILB लिखी जा सकती है। और अगर मुझे ये बी के बारे में बताना हो कि बी इस केस में क्या कहते हैं या हम इसे किस टर्म से बुला सकते हैं अगर हम मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट देख रहे हों किसी कंडक्टर के ऊपर, तो क्या होता है कि IL, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं कि हम लोगों ने बी के बारे में जो है रिलेशनशिप निकालना है ना, तो यहाँ पे IL रह जाता है, और ये जो बी है इसे हम लोग अगर मैं सेपरेट करना चाहूँ तो FM के नीचे हम लोग जाके IL को डिवाइड कर देते हैं, जो कि ये बताता है कि ये जो बी है ये बी बेसिकली हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये हमारे पास बेसिकली मैग्नेटिक इंडक्शन है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होता है कि मैग्नेटिक इंडक्शन बन गई, ये मैग्नेटिक इंडक्शन जो है आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, आप इसे ये बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसके अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट 1 एम्पेयर है, और 1 मीटर की लेंथ के अंदर से अगर 1 मीटर का करंट फ्लो कर रहा हो और उसकी वजह से उस कंडक्टर के ऊपर जो है 1 न्यूटन की फोर्स जो है एक्सपीरियंस किया जाए कि 1 मीटर 1 न्यूटन की बल्कि फोर्स उसके ऊपर प्रोड्यूस हो गई है, तो इसे आप कह सकते हैं कि 1 न्यूटन की जो फोर्स प्रोड्यूस हुई है उसकी वजह से यहाँ पर जो है 1 टेस्ला का मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हुआ है। बेसिकली हम इसके यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं, जो मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट होता है उसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास टेस्ला है। टेस्ला बेसिकली क्या है, ये हमारे पास न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पेयर इनटू मीटर के इक्वल आ जाता है, मतलब कि वो 1 न्यूटन की फोर्स। टेस्ला किस तरह डिफाइन किया जा सकता है, आप टेस्ला को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो मैग्नेटिक इंडक्शन है जो उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब किसी 1 मीटर के लेंथ के कंडक्टर के अंदर 1 एम्पेयर का करंट फ्लो होने की वजह से उसके अंदर जो है 1 न्यूटन की फोर्स प्रोड्यूस हो जाए तो उस पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो 1 टेस्ला का प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से आप किसी की भी कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं, आप मैग्नेटिक फोर्स भी निकाल सकते हैं, आप उस कंडक्टर की लेंथ भी निकाल सकते हैं, और आप उस कंडक्टर के अंदर से फ्लो करने वाला जो है करंट भी निकाल सकते हैं। बेसिकली हमारे पास जो टेस्ला होता है इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 टेस्ला की जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 × 10⁴ हमारे पास यहाँ पे जी के इक्वल हो जाती है। तो ये हमारे पास टेस्ला की वैल्यू है। ये जो जी है ये जी बेसिकली हमारे पास गॉस के इक्वल है, जो कि एक यूनिट है जो कि ये बताता है कि हमारे पास टेस्ला जो है वो 10⁴ गॉस के इक्वल है। तो इस तरीके से आप टेस्ला को भी डिफाइन कर सकते हैं जो कि मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट है। आप मैग्नेटिक फोर्स भी निकाल सकते हैं, आप मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन के बारे में भी बता सकते हैं कि किस तरीके से किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने से उसके अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट इफेक्ट प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अपेयर हो जाती है, उसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स आ जाती है, और डिफरेंट पैरामीटर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर किस वक्त मैक्सिमम होगी, किस वक्त मिनिमम होगी, और किस वक्त एट सर्टेन एंगल पे जो है वो सर्टेन वैल्यू आपको देगी।